हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। तो मैं आ गया हूँ फिर से अपने न्यू व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है ये मेरा ड्रीम व्लॉग है। बोलो क्यों, आप लोग मेरे को जूनियर एसआरके से जानते हो और आज है 29 अक्टूबर, 3 दिन बाद मेरे सीनियर का बर्थडे है। तो आप ही बताओ मैं इसको ड्रीम व्लॉग क्यों ना बोलूँ। मेरा सपना था 10 साल से कि मैं एक बार मन्नत जाऊँ 2 नवंबर को शाहरुख खान के घर के सामने, मैं वैसे वेव मोमेंट, मतलब वो फैन वाला मोमेंट करूँ, वेव करूँ शाहरुख खान ऊपर बैल्कनी में, मैं नीचे, वो वाला सीन मेरे को, मतलब शुरू से वो ख्वाहिश था कि मैं वो सीन देखूँ। तो फाइनली वो दिन आ गया है। वैसे तो मैं मिलने जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ दुआ करना कि मैं उनसे मिल पाऊँ। फिर भी अगर नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो मंजर तो देख पाऊँगा मन्नत के सामने। तो चलो, मेरा ट्रेन को लेट हो रहा है, मेरे को जल्दी जाना है। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी जाऊंगा 2 नवंबर को, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं सारा अपडेट वहाँ पे दूंगा। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। शाहरुख खान से मिल के आएंगे। गाइज, ये ट्रेन CSMT जाने वाला था, अभी कैंसिल हो गया। अब मेरे को दादर उतरना पड़ेगा। ऐसे ही तो मेरे इतना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को जाना कहाँ है। और मेरे को एक फ्रेंड मेरे को बोली कि CSMT उतर जाना, वहाँ से करीब पड़ेगा। और देखो फिर से मेरे को दादर उतरना पड़ेगा। शिट मैन। शाहरुख सर के बहुत करीब, देखो मिल पाता हूँ कि नहीं। पता है मेरे को उतरना था CSMT, हाँ मेरे को वहाँ उतरना था, बट मेरा ट्रेन कैंसिल हो गया तो मेरे को दादर उतरना पड़ा। फिर दादर से अभी अपन जा रहे हैं थाने के बाद फिर अपन को जाना है खोपर कनेर, फिर उसके बाद देखो मैं कहाँ पे ठहरता हूँ। लेट्स गो गाइस। अभी मैं उतर गया हूँ थाने, अब यहाँ से अपन को जाना है खोपर खेनरे, कोई स्टेशन है, उसके लिए मेरे को 9 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा। भाई इतना दौड़ना पड़ रहा है ना, यहाँ पे कितना सारा प्लेटफॉर्म है मुंबई में। तो भाई अभी मैं फोटो में हूँ, अभी यहाँ से जा रहा हूँ सेक्टर 14, रिलायंस स्कूल के पास मेरी एक फ्रेंड है, इंस्टा पे मिली थी मेरे को, तो मैं उसके घर रुकूंगा सिर्फ आज के लिए, क्योंकि कल जो कोलकाता से जो लोग आ रहे हैं ना, जिस ग्रुप के साथ मैं जाने वाला था शाहरुख सर से मिलने के लिए, तो वो लोग कल आएंगे, तो आज के लिए मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो जा रहा हूँ। हे गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने फ्लैट पे, सॉरी अपने फ्रेंड के फ्लैट पे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया था, मेरा तबीयत बिगड़ गया था ट्रेन में, तो अभी जस्ट मैं नहाया हूँ, नहा के थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब मेरी फ्रेंड अभी नहीं है, वो जॉब पे गई है, वो भी कोलकाता से, वो मुंबई में यहाँ पे जॉब करती है। तो उसने मेरे को बोला कि आज एक दिन के लिए आप यहाँ पे ठहर सकते हो, क्योंकि मैं जिनके साथ आने वाला था, जो फ़ैन क्लब है शाहरुख खान का कोलकाता के, तो वो लोग कल आ रहे हैं, तो मैं एक दिन यहाँ पे पहले आ गया, तो इसलिए उसने बोला कि आप यहाँ पे रुक सकते हो। हो सकता है मैं रात में निकल जाऊँ या फिर कल जाऊँ, देखते क्या होता है। तो मैं यहाँ पर अभी रुका हूँ। चलो मैं आपको, पता है एक चीज़ और, यहाँ पर नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, और मेरे फ्लैट के सामने एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आओ। ये है रिलायंस स्कूल, जो भाई जियो के ओनर का है, और यहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा मेरा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बाहर जाके देखूँ बाहर का क्या नज़ारा है। और अभी इस टाइम लोकल में बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है, तो थोड़ा सा क्राउड का मतलब धक्का धुक्की खा लूँ, चलो देखते हैं। और मुंबई का ट्रैफिक भी देखना है मेरे को, लेट्स गो। देखो कहाँ जाना मेरे को खुद नहीं पता, बट जाना है। अच्छा अगर मरीन ड्राइव कैसे जाना होगा, नहीं आइडिया नहीं ना। एक्चुअली मतलब थाने दादर से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, इस वजह से यहाँ पे किसी को इतना पता नहीं है। लेट्स एक्सप्लोर करते हैं मुंबई को आज अकेले, कर तो पाएंगे नहीं, बट स्टिल आई ट्राई। एंड लेट्स, देखो ट्रैफिक स्टार्ट, स्टेशन के पास आ रहा था तो मेरे को एक बंदा ने ये दिया, ये भी समझ गया है कि मैं नल्ला हूँ कोई काम का नहीं हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ
चलो मजाक, देखो मेरा ये स्टेशन है को पर ठहराने ठहरने जो भी है। लाइफ का सबसे बड़ा गलती, ऑफिस टाइम में लोकल ट्रेन में बैठ गया। ओफ यार मार देंगे ये लोग मेरे को, सच बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा क्राउड यहाँ पे, बाप रे बाप, लगता है सारा बेरोज़गार मुंबई में ही है। अभी हम लोग निकलने वाले थे मरीन ड्राइव, अभी अंधेरा होने वाला, हो सकता है मैं नहीं पहुँच पाऊँगा तो मैं निकलना भी वेस्ट हो गया, ट्रेन आ रहा है सामने से। तो गाइस आए अभी हम मरीन ड्राइव में और यहाँ का व्यूज़ बहुत ही अच्छा है। बस मिस्टेक हो गया कि मैं शाम में नहीं आया, शाम में आता तो बहुत ही अच्छा, मतलब रील्स भी बना लेता। खैर कोई नहीं, ये भी एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ की कुड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा कमाल की है, मतलब नज़र नहीं हट रहा है पर देख भी नहीं रहा हूँ, देखना नहीं चाहिए। देखो सीन देखो, गाइस मरीन ड्राइव से हम लोग निकल गए हैं, सॉरी हम निकल गए हैं यार, मन नहीं लग रहा अकेले यार, कहाँ फंस गए, मुझे घर जाना है। जा रहे वापस अपने रूम पे। ये एक अलग दादा स्टेशन है, अभी मेरे को ये ट्रेन यहाँ उतारा, अब मेरे को थाने जाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा साला, मतलब दिमाग का दही बना के रखा है मुंबई। कान पकड़ ली, अब जिंदगी में लोकल ट्रेन में नहीं बैठेंगे। अरे बाप रे बाप, कैसे लोग रहते यार यहाँ पे, कसम से सैल्यूट है। अपने से नहीं होगा, अब कल से अपन कैब से ट्रैवल करेंगे, वो भी एक झमेला है ट्रैफिक का, अपन करे तो करे क्या, जल्दी 2 नवंबर ख़त्म हो और यहाँ से भागे हम। चलो अब जा रहे वापस, अभी थाने स्टेशन में हैं, अभी अपन जा रहे हैं कोपर कैरने, आज तक नाम ही समझ में नहीं आया, जो भी अब घर जा रहे भाई, चलो।